सोडियम का जो इन्फेक्शन है इंसान की बॉडी में पहुंचता है बट कंजप्शन ऑफ द रॉ पोर्क, जब आप रॉ पोर्क खाते हैं या अनकुक्ड अनकुक्ड या प्रॉपरली कुक्ड नहीं होता है, जो स्टीम्ड फूड होता है, दे आर वेरी गुड सोर्सेज ऑफ दिस इन्फेक्शन। या लोग बारबेक्यूज जो आप कंज्यूम करते हैं, जो भी प्रॉपरली कुक्ड फूड नहीं होता है, उसके थ्रू ये इन्फेक्शन इंसान की बॉडी में ट्रांसमिट होता है। मैन, इसके दो होस्ट होते हैं, द पैरासाइट इज डायजेनेटिक। डायजेनेटिक का मतलब आपको पता ही होगा, द डायजेनेटिक इज वन विच पोजेसेस द टू होस्ट, मैन एंड द पिग। मैन जो होता है वो डेफिनेटिव होस्ट होता है, डेफिनेटिव का मतलब होता है वो होस्ट जो जिसकी बॉडी में पैरासाइट मच्योर हो जाए, और पिग वो होस्ट होता है इंटरमीडिएट। तो द पैरासाइट इज डायजेनेटिक इन इट्स ऑरिजिन, इट पोजेसेस टू होस्ट, मैन एंड द पिग। मैन इज द डेफिनेटिव होस्ट एंड पिग इज द इंटरमीडिएट होस्ट। स्टूडेंट्स, इन्फेक्शन शुरू होता है जब एक इंसान अनकुक्ड मीट खाता है जिसमें कि एग होता है, ठीक है। ये जो एग होता है वो कंटेमिनेटेड फूड के जरिए आता है, फूड में पर्टिकुलरली आपको पता ही है, जब आप अनकुक्ड अनराइप्ड या बारबेक्यू टाइप फूड खाते हैं उसके जरिए ये ऑर्गेनिज्म अंदर आता है। इसका जो लार्वा होता है स्टूडेंट्स, लार्वा एग में से निकलता है और पहुंचता है इंटेस्टाइन्स में, ह्यूमन इंटेस्टाइन्स, ठीक है। वहां से ये होस्ट के टिश्यूज में रहता है, जो होस्ट के होस्ट टिश्यूज होते हैं, होस्ट टिश्यूज में ये रहता है और कन्वर्ट होता है इनटू एडल्ट, ठीक है। ये जो एडल्ट फॉर्म होता है, मेल और फीमेल डिस्टिंक्शन, और उसके बाद फर्टिलाइज होने के बाद फीमेल जो होती है, फीमेल पैरासाइट जो होती है वो एग ले प्रोडक्शन करती है, द फीमेल स्टार्ट लेइंग द एग्स, ठीक है। जो एग्स पास आउट होते हैं स्टूल के साथ, ठीक से मेरी बात समझिएगा, एग्स आए खाने के जरिए, एग में से लार्वा निकला इंटेस्टाइन्स में और फिर वहाँ पर इन्होंने होस्ट टिश्यूज पर ही बैठ गए, वहाँ पर अडल्ट में ये कन्वर्ट हो गया ये पैरासाइट, फिर इस पैरासाइट ने एग प्रोडक्शन शुरू किए। ये एग जो थे ये निकले स्टूल के साथ, ठीक है। यही स्टूल जो है जब पिग कंज्यूम करता है, व्हेन पिग कंज्यूम्स द स्टूल, क्योंकि पिग स्टूल कंज्यूम करता है, तो ये एग पिग की बॉडी में चले जाते हैं, ठीक है। फिर पिग की बॉडी में मूवमेंट करने के बाद पिग की जो हम्प मसल होती है, जिसमें बहुत ज़्यादा फ्लक्स होता है, उसके अंदर ये रेस्ट करता है, ठीक है। और वही हम्प मसल जब एक ह्यूमन बॉडी कंज्यूम करती है तो इन्फेक्शन ह्यूमन बॉडी में पहुंच जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। दिस इज द इंटरमीडिएट होस्ट साइकिल एंड दिस इज द डेफिनेटिव होस्ट साइकिल। ये दो हिस्से हैं इस लाइफ साइकिल के, जहाँ पर आपको पता चलेगा कि इंसान को ये साइकिल चलता कैसे है। पैथोजेनिसिटी में क्या होता है इस इंसान को जब ये डिजीज हो जाती है, बहुत केसेस में तो कोई साइन सिम्टम्स खास नहीं होते हैं, एसिम्टोमेटिक होता है, मगर ओकेजनली इंटेस्टाइनल डिस्कम्फर्ट इज अ वेरी कॉमन, बहुत कॉमन इसका साइन सिम्टम है। पर अगर ये पैरासाइट ब्रेन पे पहुंचे, ये लार्वा जो होता है कभी कभी ब्रेन में चला जाता है, अगर ये ब्रेन में चला गया तो इपिलेप्टिक सीजर्स होते हैं, तिमी लारिंगस पेशेंट दिस लारिंगस हंग तो मगे सुचना छुस न की लारिंगस लारिंग क्या छु गसा कि यूसी लार्वा आसान छु सर्कुलेशन में मूव करा करा ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस करे ब्रेन मजवाता, फिर जहां पर पेशेंट को सीजर्स होने लग जाते हैं। अदरवाइज इतना कुछ सीरियस क्लिनिकल पिक्चर ये प्रोड्यूस नहीं करता है कि पेशेंट को दारू दाय वो है, बस इंटेस्टाइनल डिस्कम्फर्ट या सुच बसा पी एच छुमान खून छुम बना युति क्या खेवान उसमें फ्लैटुलेंस हेवीनेस फील एब्जॉर्प्शन कंप्लीट गए। दीज आर द कॉमन साइन एंड सिम्टम्स जो आप इसके इसमें देखेंगे पेशेंट को। जब आप लैब डायग्नोसिस करेंगे स्टूडेंट्स, लैब डायग्नोसिस में तो आप पहले ही स्टूल एग्जामिनेशन करेंगे। स्टूल एग्जामिनेशन में आपको पता ही है, आपको एग भी दिख सकता है, आपको लार्वा भी दिख सकता है, और इसमें बहुत अच्छी बात है जो नॉर्मल सलाइन सॉल्यूशन टेस्ट है उसमें ये पैरासाइट बहुत आराम से दिखता है, एग जो होते हैं वो ऊपर चलते हैं, ऊपर चढ़ते हैं और आपको दिखाई देता है। इवन जब आप माइक्रोस्कोपी इवन मैक्रोस्कोपी अगर तो सोचते पूछो अच्छे उससे, यू कैन सी द पैरासाइट बाय नेक्ड आई,
یِتھ کٔنۍ أسۍ اسکارِس کِس کیسَس منٛز وٕچھان چھِ آمَن ہِنٛدِس کیسَس منٛز سٹوٗلَس منٛز چھُ پیراسایٹ بَڑٕ آرام سان یِوان بوزنہٕ. سِمِلَر اِز دَ کَنڈِشَن وِد دَ ٹیٖن یا سولیَم. اگر پیشَنٹ پازِٹِو چھُ تہٕ اُس کے سٹوٗل کے ساتھ پاس ہو رہا ہے پیراسایٹ تو آپ اس کو نیک رائے سے دیکھ سکتے ہیں. آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی, یو ڈونٹ نیڈ ٹو گیٹ فار ہائی فائی دِس کائنڈ آف انویسٹیگیشن, یو کین سمپلی سی یوزنگ یور آئی. اوکے, اس کے علاوہ جب بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ کنڈیشن ہوتی ہے, سی ٹی اسکین میں بہت لوگوں کو یہ دکھائی دیتا ہے کہ اس کو ٹینیا سولیم کا انفیکشن ہے. ٹریٹمنٹ کے لیے اسٹوڈنٹس, دا موڈ آف ٹریٹمنٹ اور ٹریٹمنٹ کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں, ایڈمنسٹریشن آف ایل بینڈازول اوکے اور می بینڈازول, دے آر دا افیکٹو ڈرگس فار دا ٹریٹمنٹ آف دا پرسن. I hope it's clear. Thank you.